हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सबको। मैं आज आपने इस मशीन का कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आज देखेंगे डिटेल में ज़रा कि ये मशीन कैसा काम करती है। एक्चुअली मैं समझाऊंगा आपको कि ये मशीन कैसे ऑपरेट होती है या बंद कैसी करनी होती है या इसका फंक्शन कैसा है। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट टाइम अपन इसका चार्जिंग कैसा होता है ये देखेंगे। ये इस मशीन का ये चार्जर है। इस चार्जर में ये चार्जिंग पॉइंट है। एक मिनट, इसको मैं निकालता हूँ। ये एसी करंट को लगेगा। ये एसी करंट को लगने के बाद करंट इसमें आ जाएगा चार्जर में। ये जो पिन है, ये मेल फीमेल का पिन है, ये बराबर वही सिस्टम से बैठ जाता है। ये चार्जिंग पॉइंट है। इसमें ये इस तरह ये बैठता है। ऐसा बैठने के बाद ये चार्जिंग शुरू हो गया। चार्जिंग शुरू होने के बाद इधर जो दो बल्ब दिखे हैं, इस बल्ब में ये बल्ब लगेगा। जबकि चार्जिंग फुल हो जाएगा तब ये बल्ब लगेगा और चार्जर चार्जिंग करना बंद करे। ऐसा ये ऑटो सिस्टम है। तो ये चार्जर में ऐसा ऑटो सिस्टम है, ओवरलोड चार्जिंग करता नहीं, ये अपने आप बंद हो जाता है। इसका बैटरी ये एमरॉन का बैटरी है। ये बैटरी 12 वोल्ट 12 एम्पियर है। ऐसी दो बैटरी इस मशीन को लगती है, जहाँ की ये दो बैटरियां यहाँ पर लगाई है। इसको कनेक्ट चार्जर का कनेक्ट किया है। अभी चार्ज होता है। ऑटो डिवाइस जो कि लोड कंट्रोलर भी इसको कनेक्ट किया है। जो चार्जर है, चार्जिंग होने के बाद इसको निकाल के रखे या निकाल के नहीं रखा तो भी ये कट ऑफ हो जाता है। बाद में जब ये चार्जिंग होने के बाद जब शुरू करना है मशीन को, ये बटन पुल करना है, ये शुरू हो जाता है। ये ऑटो डिवाइस का एक सिस्टम है, ये ढकलने के बाद बंद करने के लिए। ये बाद में इसका जो सिस्टम है, जब इसे प्रमाण से ज़्यादा लोड आएगा या कोई हार्ड चीज़ अंदर आ जाएगी, लकड़ी या लिंकेज या तो कोई पत्थर आ जाएगा, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये बंद होने के बाद सिर्फ अपना ये बटन, अभी ये चालू है, चालू में ही बंद हो गया, तो बाद में ये बटन सिर्फ दबाना है। फिर बंद करते टाइम इसको दबा देने का, बंद हो जाता है। ये इंडिकेटर है कि बैटरी कितनी चलती है, कितना करंट ले रही है, बैटरी में कितना करंट बाकी है, ये दिखाता है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा चालू करके अभी उसमें दिखाई देता है। ये देखो, ये पुल किया हमने स्विच उसका, तो ये बैटरी चालू हो गई और इसका इंडिकेट करना चालू हो गया काम। अभी 24-25 वोल्टेज का करंट है इसमें और ये बहुत अच्छी तरह से करंट इसको सप्लाई देता है और पावर देता है और इसी तरह से बिना झंझट काम करता है। इसके बाद अभी ये काम कैसा करता है आपको थोड़ा बता दूं। ये जो सामने वाला पार्ट है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जितना गोबर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इतना गोबर ये खींच के, ये पुलिंग पट्टियाँ है, ये खींच के ऊपर 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 लेके जाते हैं। और बाद में इधर ट्रे होता है। ओके दोस्तों, ये बाद में जब गोबर उधर से उठ जाता है, ये जो पोर्शन है, ये जो प्लेट है, यहाँ से ये गोबर अंदर गिर जाता है। एक मिनट में 50 किलो तक गोबर उठा लेता है ये मशीन, इतना बढ़िया काम करता है। इसको फिर गोबर बैठ गया तो बैठने के बाद इसको आसानी से निकालना पड़ता है। उसके लिए एक कैरियर होता है, वो दूसरे वीडियो में दिखाएंगे हम उसका कैरियर, वो आसानी से ले जा सकते हैं। और फिर बाद में गोबर साफ करने के बाद, जब मशीन को साफ करना है तभी सिर्फ क्या करना है, ये ऐसा इसको उठाने का, इसके अंदर पानी डालने का, ऐसा पानी डालने का। पानी डालने के बाद इसमें पानी डालने से वो अपने आप सब धो देता है, सब गोबर चिपके वाला निकल जाता है और दूसरी टाइम काम करने के लिए सही मशीन रहती है। इस धोने से ये जो पट्टियाँ या कुछ GI का मटेरियल है तो उसको जंग भी नहीं पकड़ेगा, और साफ सुथरा रहेगा। ये सामने वाली पट्टियाँ हैं तो हमने 304 में लगाई है, जंग या खराब नहीं होगी, इससे बेहतर ज़्यादा दिन तक काम करेगी मशीन, ऐसा इसका रचना किया है और ये काम बेहतर करने को तैयार है। ऐसा दोस्तों, ये मशीन किसानों को फायदेमंद होती है
और ये मशीन किसान का बहुत बढ़िया काम करती है, 8-10 पट से या 8-10 गुना काम करती है। और ये मशीन बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, बहुत किसानों को पसंद आ गई है। तो आप भी इसको देख ले, आपको क्या पसंद आता है, आपको क्या नहीं पसंद आता वो भी बता दे हमें, और हम आपके सुझाव से हम और भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको सबको विनती है कि इसको एक बार देख के सुझाव दे दे।